this, guys. भाई लाता हुआ डोसा. बच्चों से पूछो. बोलो तो मैं वीडियो बना लूँ. ओके. तो भैया बेटा. हे गाइस, गुड इवनिंग. राम राम सर सभी को. कैसे हैं दोस्तों आप? तो फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ अलवर सिटी का लार्जेस्ट डोसा खाना है. यहाँ पे बनता सबसे बड़ा डोसा. चलिए गाइस सबसे पहले आपको बताता हूँ कि लोकेशन कहाँ है यहाँ की. लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वॉक. तो गाइस ये है साउथ स्ट्रीट द चायसा. यहाँ पर बनता है लार्जेस्ट डोसा. ये जो एरिया है इसकी नंबर 2 है. सामने से जो रोड जा रहा है वो आपका भगत सिंह की तरफ रोड जा रहा है. और यहाँ पे पहले इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हुआ करता था, यानी IPS स्कूल. उससे आपको कट लेना है एंड देन आपको यहाँ पहुँचना है. तो बता दूँ रेलवे स्टेशन से लगभग ये है 1.5 किलोमीटर और इतना ही दूर लगभग बस स्टैंड से पड़ता है. तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं. ये रहा साउथ स्ट्रीट. उस साउथ स्ट्रीट में आ गए हैं. ये इनका कॉरिडोर. यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हो. फूलों से आपका स्वागत. एंड देन दिस इज़ द इनसाइड ऑफ द साउथ स्ट्रीट. बहुत प्यारा सा है और बहुत क्यूट है यहाँ पर. तो ये फोटोज़ लगे हुए हैं प्रभुदेव. यहाँ पर इनकी वीडियोस चलती रहती हैं. और तो चलिए गाइस अब देख अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लार्जेस्ट डोसा कैसे बनता है. गाइस हमारे साथ हैं ये भैया. क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, पहले प्रोटेक्शन फुल ताकि बाल ना गिरे, कैप. क्या नाम भैया आपका? करतार. करतार जी, तो आप ये डोसा बनाने का काम कब से कर रहे हो? डोसा बनाने का काम मैं 2019 से कर रहा हूँ. 2019 से जी. तो अभी सबसे लार्जेस्ट डोसा खाने वाले हैं हम जी. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं लार्जेस्ट डोसा. इनका तवा देखो यार कितना बड़ा है. तो ये लार्जेस्ट डोसा के हिसाब से इतनी बड़ी गैस देखी आपने. तो जब स्टार्ट करते हो थोड़ा टाइम लग जाता होगा गर्म. जी जी, तवा गर्म होने में 5 से 7 मिनट लगे. 5 से 7 मिनट. ओके. जो हम डोसा खाने वाले हैं वो ये है स्पेशल 4 फीट डोसा, जो कि 400 का है. 4 मेंबर्स अलाउड. इसके लिए 4 मेंबर लगते हैं. कितना बड़ा डोसा है. तो भैया ने पानी गिर दिया. क्लीन करेंगे आप इसको. हैं चेक करने के लिए गिरा आप तब अगर एक साइड कम ज़्यादा हो रहा है. अच्छा अच्छा, तो पूरा चेक करने के लिए आप पानी चेक करते. तो अब कम्प्लीटली चेक हो चुका है, पूरा तैयार है तवा. इसे क्लीन करते हुए यहाँ पर ये डोसे का मसाला रेडी हो रहा है. साउथ ईस्ट का स्पेशल डोसा है. ये क्या गिरा? जीरा? नहीं, ये आलू है जो डोसे में अंदर लगाया जाएगा. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, इस तरीके से इसको गर्म करेंगे. ये अपना खुद का बनाया हुआ है. हाँ जी, स्पेशल है ये अपना आलू का मसाला है. अच्छा अच्छा. हाँ, ये आलू का मसाला इस तरीके से बना देते हैं और 2 से 3 मिनट में इसको गर्म कर देंगे. भट्टी का लोग मिट्टी बढ़ाई जाएगी. मसाला रेडी हो गया है. अच्छा, मसाला रेडी. हाँ जी. धनिया ऐड हो गया. ओके. अब इसका टेस्ट अलग हो गया. डोसा वगैरह डोसा बनने वाला डोसा बनाएंगे. ओके. तो मसाला तैयार हो गया. अब बारी है डोसे की. ओके. भैया जो आप बेसिकली ये यूज़ करते हो इसमें क्या क्या मिला होता है? इसमें चावल और दाल का बैटर है. दाल कौन सी मिली होती है? चना और उड़द की. चना और उड़द की जी. तो उसका घोल तैयार कर लेते हैं. जी जी. ओके. ओ माय गॉड, 3-3. दिस रियली बिकम लार्जर. लास्ट में ये मतलब पूरा जितना बड़ा तवा है उतना ही बनेगा. जी जी. ओके ओके. हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो डोसा है, मतलब मैंने कहीं नहीं देखा. मैं इतनी जगह ट्रैवल किया है पर फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़ा डोसा देखा. पहली बात तो इतना बड़ा डोसा बनाने के लिए आपको इतना बड़ा तवा चाहिए. जी. ये ऑयल है? जी ऑयल. कौन सा ऑयल है? फोर्चून. ओके. जो एक्स्ट्रा वो हटा रहे हो आप. अलवर के रहने वाले हो? जी. मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश. कहाँ से? मुरैना डिस्ट्रिक्ट. मुरैना.
मुरैना की गजक बहुत फेमस है जी। राइट भाई, ओके। धीरे धीरे अलग कर दो भैया, गैस को बंद कर दिया अभी। ये पूरा पूरा अलग हो चुका है, ओके। वाह भाई वाह, अरे वाह, ओके। ये देखिए भाई, बराबरी से कितना बड़ा डोसा है यार। ओके, अब क्या करने वाले हैं भैया, नेक्स्ट स्टेप। उठा लिया, लो भाई, मेरे हिसाब से दो थाली भी कम पड़ गई इसके लिए। उसके बाद ये क्या कर रहे हो भैया, क्या पनीर की रेट? पनीर जी, इस तरीके से। ये हमारा, ये अपना धनिया, ये धनिया है, ओके। ये लो भाई, भर के सांभर। तो ये यहाँ पे, ये कौन सी चटनी है? टमाटर, ओके। उसके बाद ये अपना नारियल की चटनी, ओके। अच्छा, ये सब में रिपीट करोगे आप, हैं, ताकि 4% के हिसाब से, 4% के हिसाब से सब किया जा रहा है। सांभर अच्छा 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 तो मतलब इस डोसे में ये आलू सेपरेट होता है, धनिया का मसाला सेपरेट होता है, मसाला सेपरेट होता है, ये धनिया की गार्निशिंग होती है। ओके, डोसे के संग जो चीज़ें हैं, नारियल चटनी, टमाटर की चटनी, ये हमारा सांभर, और ये अलग से फिट थी, ये भी मैंने पहली बार आलू का मसाला। भाई लाता हुआ डोसा, बच्चे ऐसे देखे, ये कैसे पूछ रहा हूँ, वीडियो बना लो। ओके, तो भैया बेटा, ओके। तो गाइस, तो थैंक यू सो मच भैया लाने के लिए। और ये देखिए हमारा डोसा, पूरी प्लेट भी छोट कम पड़ गई, पूरी टेबल भी कम पड़ गई। चलो एंजॉय करके बताना टेस्ट कैसा है। तो गाइस, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अपन ले लेते हैं थोड़ा साइज से, ओके। बहुत ही कड़क भी है, ओके ओके ओके। तो यहाँ से लेते हैं अपन, और सबसे पहले आलू लेते हैं। अच्छा तो है आलू की, आलू का मसाला अच्छा लगा मुझे। अब एक काम करते हैं, इसको आलू के मसाले में डाल के चटनी से खाते हैं। भाई मज़ा आ जाएगा, लार्जेस्ट पिज्ज़ा एवर। कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। इतना बड़ा सा था। ज्योति कैसा लगा? हमारा कैसा लगा? टॉप टॉप, वाह भाई वाह। नहीं, टॉप टॉप अच्छे से भी बेस्ट होता है, पता है आपको। थैंक यू फॉर कमेंट एंड रिव्यू, थैंक यू। तो गाइस, ये था साउथ स्ट्रीट का इतना बड़ा डोसा, और मज़ा आ गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस, राम राम से सब।